बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तसद्दुक़ अली है। फेसबुक पे एक क्लिप देखने में मिला जिसमें अलामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब ने बड़ा मुफीद मशवरा दिया, और बिल्कुल उन्होंने मुफ्त मशवरा दिया। पाकिस्तान जो है जिस माशी मुश्किलात का शिकार है, जो माशी बुरान है पाकिस्तान पे, यानी कर्ज़े हैं बैरूनी, उनकी अदायगी के लिए उन्होंने एक बड़ा मुफीद मशवरा दिया। और मशवरा ये था कि सूद चूँकि हराम है और पाकिस्तान एक इस्लामी ममलकत है, और सूद तो हम देंगे नहीं, ये इदारों को बता दें, और जो असल रकम है वो देंगे, और तब देंगे जब होंगे। अगर इस पे वो रजामंद नहीं है तो हमारे पास है गौरी मिसाइल। इसमें मेरा उनका जो जज्बात हैं या उनका जो दीन से लगाव है या कमिटमेंट है जिसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि सूद हम नहीं देंगे, उस पे मेरा एतराज़ नहीं है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। लेकिन एक गुजारिश है कि जब ये कर्ज़े पाकिस्तान ने लिए होंगे तब भी तो उन्होंने बताया होगा ना कि इस पे सूद होगा। ये तो नहीं हुआ होगा कि उन्होंने उस वक्त कहा हो कि कर्ज़े हंसना है तो और बाद में सूद लगा दिया हो। अगर ऐसा हुआ हो फिर तो ये एतराज़ बनता है, लेकिन चूँकि सूद पे एग्री करके हमारे हुक्मरानों ने, हमारे उस वक्त के जो भी इदारे थे या जिस जिस दौर में भी लिया गया, तो उसको उन्होंने उस एग्रीमेंट के तहत लिया होगा, और अब उस एग्रीमेंट से हटना मेरे ख्याल से साहिबान ज़ीवकार बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरी जो बात है, उन्होंने कहा जी कि असल रकम देंगे और तब देंगे जब होंगे, ज़ाहिर है इस पे भी कुछ टाइम पीरियड का एग्रीमेंट होगा, कुछ मायदा होगा, और अगर इस पे वो एग्री नहीं तो हमारे पास है गौरी मिसाइल। यानी अगर मैं किसी से कर्ज़ लूँ और वो वापस मांगे तो, और मेरे पास हथियार हो, तो मैं उसे ये कह सकता हूँ कि मैं तब दूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे। अगर तुम इस पे एग्री हो तो ठीक, अगर नहीं हो तो मेरे पास है, मतलब कोई भी असलाह मेरे पास जो है वो है, और उसका मैं इस्तेमाल करूँगा। ये बात मेरी समझ से बालातर है, और इसकी शायद कोई ममासलत मैं गलत कर रहा हूँ, इस पर मैं बहुत माजरत खाऊँ, लेकिन जब ये मैंने सुना तो मेरे जहन में इकबाल का वो जुमला आया कि दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फसाद। वैसे हर मौलवी मौलवी को बुरा कहता है और ख़ुद को मौलवी नहीं कहता। मुझे नहीं पता इसका क्या क्राइटेरिया होता है इसमें, ज़ाहिर है इस जुमले के मैंने उनसे मंसूब नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जहन में ये आया और इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। दूसरी बात एक और मैं इसमें करना चाहूँगा कि गौरी मिसाइल कोई इतनी नायाब चीज़ नहीं है, मिसाइल जो सिर्फ पाकिस्तान के पास है, दुनिया के बहुत से ममालिक के पास होंगे हथियार, और बहुत से ममालिक ये कह सकते हैं बहुत से हवालों से कि हमारे पास हथियार है। लेकिन जंग जो है उसको इतना ज़्यादा खूबसूरत बना के पेश किया जा रहा है, या उसमें इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन बनाई जाए हथियारों में कि हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास हथ है, हमारे पास गौरी है, हमारे पास एटम बम है। ये जंग अमन की दुश्मन होती है, जंग मसलों का हल नहीं, जंग खुद एक मसला है, और जंग से इंसान ही मरते हैं। और पूरी जंगों की तारीख़ अगर देखी जाए तो पूरी तारीख़ इस बात की गवाह है कि आम इंसान फ़ौज से भी ज़्यादा मरते हैं। जो दुनिया की जो पहली आलमी जंग थी या दूसरी आलमी जंग थी, अगर दोनों का मुवाजना किया जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आम इंसान मरे, और अब जिस तरह की जंग है इसमें तो खैर अब तफरीक कर ही नहीं सकते कि लड़ने वाले मरेंगे या सारे मरेंगे। और अगर लड़ने वाले भी मरते हैं, सिपाही मरते हैं, आर्मी मरती है, शहीद होती है या मरती है, जिस सूरत में भी आप देखें, तो ज़ाहिर है वो भी किसी के बेटे होते हैं। ये ओवरऑल इंसानियत का कत्ल होता है। जंग को इतनी खूबसूरत चीज़ बना के पेश करना और इस चीज़ पे ज़ोर देना जी कि हम कर्ज़ा वापस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास गौरी मिसाइल है, तो क्या पता जिन्होंने कर्ज़ा दिया हो उनके पास भी कोई काफ़ी सारे मिसाइल हों, तो फिर मामला ज़ाहिर है कि और ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। अगर किसी के जज्बात मेरी इस बात से मजरूह हुए हों तो मैं बहुत माजरत खाऊँ। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मेरे जहन में जो कन्फ्यूजन है वो मैं बयान कर दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने साथ दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।